अब लोगों का हाल ये है कि बाहर के दुश्मन से तो जिहाद करते हैं, अंदर के दुश्मन से जिहाद नहीं करते, अंदर के दुश्मन से जिहाद नहीं करते। इन आदा अदुवक लजी बैन जंबई, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तमाम कायनात के दुश्मनों में, तमाम कायनात के फैले हुए दुश्मनों में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो तेरा नफ्स है। उसकी तो खूब खैर खबर रखते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, जो भी चाहता है पूरा करके देते हैं, और कहते हैं मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है इसलिए ये बाहर की ताकतों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अरे मुज्तमा है, मुत्तहिद हैं ख्वाहिशात के पूरा करने पर, मुत्तहिद हैं ख्वाहिशात के पूरा करने पर। और शिकायत यह है कि अगर ये मुत्तहिद होते तो बातिल का मुकाबला कर लेते। जो अपने अंदर के बातिल का मुकाबला ना करे वो बाहर के बातिल का मुकाबला कैसे कर लेगा? वो क्यों नहीं कर सकेगा बाहर के बातिल का मुकाबला? उसलिए नहीं कर सकेगा कि अंदर के बातिल के, अंदर के बातिल के सारे तकाजे बाहर के बातिल से मुताल्लिक, मुसलमान के अंदर के बातिल के सारे तकाजे बाहर के बातिल से मुताल्लिक। हमारी बात समझ में आई? नहीं आई? तुम्हारा जहन हाजिर नहीं, आपका जहन हाजिर नहीं। जितने मुसलमान के ख्वाहिश के तकाजे अंदर के हैं वो सारे के सारे तकाजे अहले बातिल से मुताल्लिक हैं, सारे तकाजे, जी हाँ, सारे गुनाहों के नक्शे वो बना के देंगे, सारे ख्वाहिश के नक्शे वो बना कर देंगे। अब मुसलमान इस कोशिश में है कि किस तरह इनसे मुकाबला किया जावे। मीटिंगें होंगी, मशवरे होंगे, भाई बातिल से मुकाबला करना है, मुसलमान मुत्तहिद हों। हर समझते थे जो ख्वाहिशात पर चलते हैं वो कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सुनो मैं कुछ कह रहा कि मुसलमान की जितने भी अंदर की ख्वाहिशात हैं वो सारी ख्वाहिशात के नक्शे वो बातिल से मुताल्लिक हैं, तो उनसे ही नक्शे, उनसे ही ख्वाहिशात पूरी करा रहे हैं और उनसे ही मुकाबला चाहते हैं। लो जी, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसलिए मैंने अर्ज किया कि जिहाद की भी दो दर्जे हैं। पहला जिहाद नफ्स के खिलाफ, जब नफ्स के खिलाफ जिहाद में कामयाब हो गया वो बाहर के जिहाद के मुकाबले में भी कामयाब हो जाएगा, बाहर के जिहाद के मुकाबले में कामयाब हो जाएगा। तो अजीब बात है कि लोग अपने अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद में तो नाकाम और चाहते हैं कि बाहर के जिहाद में कामयाब हो जाएं, जबकि सारे नफ्स के तकाजे गैरों से मुताल्लिक हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुम तो हमारी ख्वाहिश के तकाजे पूरे करो और हम तुमसे मुकाबला करें? हमारी बात ये है। तो मैंने अर्ज किया हिजरत की दो किस्में हैं और जिहाद की भी दो किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि अपने नफ्स के खिलाफ अपने नफ्स से एराज करो। महाजिर से कहते हैं, हज़रत फरमाते हैं वल महाजिर मन हजर अमानह अल्लाह अन, कि महाजिर वो है हर उस चीज से रुख फेर ले जिसे अल्लाह ने रोका है, हर उस चीज से रुख फेर ले जिसे अल्लाह ने रोका है, उसको महाजिर कहते हैं। और मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे। मन जाहद फइन्नमा युजाहिद नफ्सी, कि हर एक की का जिहाद और कोशिश उसके अपने नफ्स के खिलाफ पहले है, उसके अपने नफ्स के खिलाफ पहले जिहाद है। ये थी असल में सहाबा किराम की कामयाबी की, कामयाबी की शर्त ये थी कि उन्होंने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया, अल्लाह ने बाहर के दुश्मनों के मुकाबले में कामयाब कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, हमें इस काम के जरिए अपने आप को बदलना है, और अपने आप को बदलते हुए सारी दुनिया में दीनी तब्दीली लाना ये नकल हरकत का असल मकसद है। अपने आप को बदलते हुए सारी दुनिया में दीनी तब्दीली लाना ये नकल हरकत का असल मकसद है।